साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। लोशो ग्रिड अंक शास्त्र में आज बात करेंगे अंक संख्या दो की। यानी लोशो ग्रिड में पहले एक लोशो ग्रिड बना लेते हैं। जब मैंने प्रारंभ किया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लोशो ग्रिड के अंक फिक्स होते हैं, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 ये फिक्स होता है। पिछली वीडियो में हमने अंक एक की बात किया था कि आपकी जन्म तिथि में अंक एक लोशो ग्रिड में कितनी बार आया है। आज हम बात करेंगे कि आपके लोशो ग्रिड में आपकी जन्म तिथि के अनुसार दो अंक कितनी बार आया है। किसी की भी एक जन्म तिथि ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है इस समय 14th of December 1983। तो अगर इनका हम लोशो ग्रिड बनाएंगे तो 4 तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि इनकी जन्म तिथि में 4 है, 1 भी रहेगा। दिसंबर का मतलब है 12, तो 2 एक बार आ जाएगा और एक बार 2 रहेगा। इसके बाद 1983 एक बार और एक आएगा क्योंकि देखिए 1 times 2 times 3 times 1 हो गया, 9 हम ले चुके हैं, 8 एक ही बार है और 3 एक बार है, क्या नहीं है, 5 नहीं है, 5 हटा देते हैं, 7 भी नहीं है, 7 भी हटा देते हैं। तो 14th of December 1983 के व्यक्ति का लोशो ग्रिड ऐसा बनेगा और इस लोशो ग्रिड में 2 सिर्फ एक बार है। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो तीन ये आपकी मेंटल एबिलिटी है ना, ये आपकी मानसिक क्षमता है, आपकी मेंटलिटी है, आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, ठीक है, और ये आपकी फीलिंग्स है, ये आपकी भावना है, आपके संवेग है, ये भावनात्मक लगाव आपका संवेग आप कह सकते हैं। संवेग का मतलब साथियों, संवेग में बहुत सारी चीजें आती हैं, ईर्ष्या, खुशी, दुख, काम, क्रोध, लोभ सब आता है। और ये जो है आपका व्यवहारिक है, नहीं आपका स्किल है, आप कितने अच्छे से काम करते हैं, ये आपके लोशो ग्रिड के तीन है। तो आप दो को देखिए, ये मानसिक स्तर का सबसे लास्ट पॉइंट है, सबसे अंतिम भाग। ऐसे व्यक्ति संवेदनशील, सहज ज्ञानी, अंतर्ज्ञानी और बहुत ज्ञानी, क्योंकि मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट का ये अंक है। तो जिनके लोशो ग्रिड में दो अंक उपस्थित होता है वैसे व्यक्ति सहज ज्ञानी होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, बुद्धिमान, अच्छे बुद्धिमान होते हैं। 21वीं शताब्दी में जन्म लिए हुए बालक, सभी बालकों के लोशो ग्रिड में दो तो आने, तो 21वीं शताब्दी में जन्मे बच्चों में सहज ज्ञान, अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता और बुद्धिमानी होती है, होगी, परंतु वो अब उसका प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं और कितना कर पाएंगे ये कभी और बात करेंगे। ये एक अलग बात है कि किस प्रकार से उसका कितना प्रयोग कर पाते हैं। किसी व्यक्ति के पास धन तो बहुत होता है पर वो खर्च कितना कर पाता है ये एक अलग विषय है। धन का होना, अमीर होना और ऐश्वर्यवान होना, इन दो बातों में अंतर होता है। इसी प्रकार से संवेदनशीलता तो है, ज्ञान तो है, पर उसका प्रयोग कितना करते हैं ये एक अलग बात है। तो जिनके लोशो ग्रिड में सिर्फ एक बार ही दो आता है ऐसे व्यक्तियों के पास ये सभी चीजें होती हैं। ऐसे व्यक्ति इनका प्रयोग भी अच्छे से करते हैं। एक बार अगर ये किसी व्यक्ति से बात कर ले तो उसकी मनोदशा को समझ लेते हैं, ये समझ लेंगे कि व्यक्ति क्या चाहता है, व्यक्ति उनके प्रति कितना निष्ठावान रहेगा, यानी उसका पूरा एक्सरे कर लेते हैं, उसके भावनाओं को क्या सोच रहा है उसको भी ये समझ सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। पर ये कमी होती है जिनके लोशो ग्रिड में एक बार तो आता है, ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये तुरंत नाराज हो जाते हैं, इनको कहते हैं तुनक मिजाजी, थोड़ी सी भी इनके अनुकूल काम नहीं हुआ ना तो ये नाराज होकर चले जाएंगे, नाराज बहुत जल्दी होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, जिनके लोशो ग्रिड में दो अंक दो बार आए
ऐसे व्यक्तियों में उपयुक्त सभी गुण होते हैं, सहज ज्ञान, अंतर ज्ञान, संवेदनशीलता, बुद्धिमानी, दूसरों को समझने में बहुत माहिर, कोई व्यक्ति इनके प्रति निष्ठावान है कि नहीं ये भी ये समझ लेते हैं। लेकिन पहले जिसके में केवल एक था उससे ज्यादा अच्छी प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं और अपने मेंटल एबिलिटी का यूज कर लेते हैं। यानी लोशो ग्रिड में दो अंक का दो बार होना एक बार की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होता है। तीन बार अगर आ जाए तो क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति एकाकी अकेलापन हो जाएगा, इसको अकेले में रहना पसंद करेगा, ज्ञानी तो होगा, अपने अंतर ज्ञान से लाभान्वित होना भी शुरू करेगा, पर अकेले अकेले अपना ज्ञान अपने पास ही रखेगा, किसी को बताएगा नहीं, और इसे बाहर निकलने में डर लगेगा, इसको हमेशा डर रहेगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, इसको छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं, तो ये अपने आप को भीड़ भाड़ से अलग रखा गया और अकेले रहना ज्यादा पसंद करेगा। जिनके लोशो ग्रिड में दो अंक चार बार आया हो ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा जाएंगे, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, ऐसे व्यक्ति भी अकेला रहना पसंद करते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, मजाक भी इनको बर्दाश्त नहीं होता है, अगर किसी ने मजाक में भी इन पर कमेंट किया है तो उसको दिल पर ले लेते हैं। लेकिन ज्ञानी होते हैं, सहज ज्ञानी होते हैं, किसी चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, पर इनको डर लगता है। किस चीज से? इनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, इस चीज को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं, बहुत अलर्ट होते हैं, पर अगर ऐसा हो जाए तो फिर सामने वाले से अपनी मित्रता तोड़ भी लेते हैं वो झटके। जिनके लोशो ग्रिड में दो अंक चार से ज्यादा बार आ जाए, पांच बार आ जाए, छह बार आ जाए या उससे ज्यादा बार आ जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की फिर कमी हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर ही संदेह करने लगता है, इसको सेल्फ डाउट हो जाता है, ये किसी पर विश्वास नहीं करता है, अकेला रहना पसंद करेगा, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत अलर्ट रहेगा, छोटी छोटी चीजों के प्रति बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने लगेगा और इसका नतीजा ये निकलेगा कि इसको अपना जीवन बहुत कठिन लगने लगेगा। तो अंक दो का यानी हद से ज्यादा बुद्धिमानी का प्रयोग भी आपके लिए घातक है, क्योंकि अगर आपका दिमाग हमेशा चलने लगेगा तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए ही खतरा हो जाएगा। चलने लगेगा का मतलब, मेरा मतलब है ये मेंटल एबिलिटी है, अब इसमें कितनी पॉजिटिविटी और कितनी नेगेटिविटी है। तो अगर दो अंक एक बार आया है अच्छा है, दो बार आया है उससे भी अच्छा है, तीन बार तक ठीक है, पर उससे ज्यादा आता है तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं होता है। ठीक है साथियों, तो आज हमने बात की लोशो ग्रिड में अंक दो की उपस्थिति और उसके प्रभाव। आप चेक करिए आपके लोशो ग्रिड में अंक दो कितनी बार आया है और मेरे द्वारा बताई गई कितनी बातों पर वो चीजें खरी उतर रही हैं। आने वाले वीडियोस में पहले हम सभी अंकों की बात करेंगे क्लिक करके, फिर उसके बाद हम लोशो ग्रिड के अंदर चलेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से प्रेडिक्शन करते हैं। तो आज इतना ही, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।